अस्सलाम वालेकुम भाजी, कैसे हैं भाजी आप? खैरियत से हैं? आज मदर डे है, कोई अपनी माँ के बारे में कुछ अल्फाज कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ायदा कयूम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मूसा मेमोरियल हॉस्पिटल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मदर्स डे के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि आज जो 6 मई का दिन है, सिर्फ वही मदर्स डे नहीं, माँ का जो दिन है हर दिन माँ का दिन है। और जो है आप देखें कि जो वालदैन के रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया, उसमें माँ का जो रिश्ता है वो इतना प्यारा अल्लाह ताला ने बनाया है कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को भी माँ की मोहब्बत से तशबीह दी है कि मैं अपनी मखलूक से 70 माओं जितनी मोहब्बत करता हूँ। तो माँ की जो मोहब्बत है या उसकी जो वो केयर अपने बच्चों की करती है वो बेगर्ज और बेलौस है। इसी हवाले से ये मैं कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर है इंसान जो कुछ भी होता है वो अपने वालदैन की दुआओं से और ख़ास तौर पर अपनी वालदा की तरबियत और उनकी दुआओं की वजह से। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने जो है वो वालदा को तरबियत पेश करती हूँ आज के दिन, और मैं तो कोशिश करती हूँ कि डेली करूँ और डेली करती भी हूँ, और अपने बच्चों की भी इसी तरीके से तरबियत कर रही हूँ कि जो हर दिन उनका दिन अपने वालदैन का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी केयर करें। ये वो रिश्ता है जो आपको दोबारा दुनिया में नहीं मिल सकता। अल्लाह पाक सबकी माओं को जो जिंदा हैं वो सलामत रखे, बशमूल मेरी वालदा के और जिनके वालदे इस दुनिया से जा चुके हैं।